नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। चुनावी घमासान के बीच सियासत हर दिन एक नए मुद्दे को लेकर बिगड़ती नजर आ रही है, जहां एक ओर कई चेहरे नेताओं और राजनीतिक दलों की कमियों को छुपाते हुए उनके समर्थन में उतर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई चेहरे ऐसे भी सामने आए हैं जिसने अपनों की ही पोल खोल कर रख दी है। जहाँ एक ओर सभी राजनीतिक दल और नेता जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बलवीर जाखड़ को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सियासत की काली तस्वीर की सच्चाई सामने लाकर रख दी है। जी हां, वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरने वाले बलवीर जाखड़ पर घूसखोरी का आरोप लगाया गया है। और बड़ी बात तो ये है कि आरोप लगाने वाला कोई विपक्षी दल का नेता नहीं, बल्कि खुद बलवीर का बेटा उदय जाखड़ है, जिसने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने पिता की इन हरकतों की सच्चाई बयां की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदय आम आदमी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उदय जाखड़ ने अपने पिता पर सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को जेल से निकालने का आरोप भी लगाया है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं एक बेटे की जुबानी उसके पिता के काले कारनामों की कहानी। From any part of आम आदमी पार्टी, he never joined the Anna Hazare movement. There is no credible evidence of that. Photographic or based on any interviews, he joined politics about 3 months ago in the month of January, where he talked to me and said that he was receiving a ticket from the Aam Aadmi Party worth 6 crore rupees, which he would directly give to Kejriwal and Gopal Rai. This money was directly given to Kejriwal, through which he received a ticket to contest from the party in West Delhi in the Lok Sabha elections. But another surprising fact is, he was ready to use that money to give bail to Yashpal and Sajjan Kumar, accused and convicted in the Sikh riots case. He was willing to bail them out of court. He was ready to fight a case for them, and he personally told me every single one of them. तो देखा आपने कैसे अपने पिता के कारनामों से परेशान ये शख्स ये दावा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ने उनके पिता को 6 करोड़ रुपए में लोकसभा टिकट बेचा है। साथ ही जनता से ये अपील भी कर रहे हैं कि वो उनके पिता बलवीर जाखड़ को वोट ना दें और लोकसभा चुनाव में ना जीतने दें। उदय ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जिस शख्स का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा, उनको संसद में जाने का टिकट दे दिया गया। दिल्ली वाले वोट करने से पहले 10,000 बार जरूर सोचें। अब ऐसे में इस बेटे की ये अपील कितनी काम आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी की इस हरकत पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।